लॉकडाउन के दौरान भूख सबसे बड़ी समस्या बनकर उभरी है। रोजी रोजगार बंद, दुकानें बंद, तो क्या आम और क्या खास। सरकार से लेकर सामाजिक संगठनों की बस एक ही चिंता कि कोई भूखा ना रहे। ऐसे में किन्नर समुदाय के सदस्य भी भूख से अत्यधिक प्रभावित हुए हैं। परंपरागत काम बंद होने की वजह से भोजन के लाले पड़ गए। विशाल भारत संस्थान द्वारा संचालित विश्व का पहला अनाज बैंक लॉकडाउन के पहले दिन से 24 घंटे की रसोई चलाकर हजारों पैकेट भोजन वितरित कर रहा है। अनाज बैंक ने बच्चों, बीमार, गर्भवती महिलाओं और रोजेदारों तक की फिक्र की है। किन्नर समुदाय की स्थिति को देखते हुए अनाज बैंक ने इंद्रेश सम्मान पोटली तैयार की है, जिसका सुभाष भवन इंद्रेश नगर लम्ही में ऑनलाइन उद्घाटन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार ने किया। आपको बता दें, मुख्य अतिथि वाराणसी मंडल के ज्वाइंट कमिश्नर उमेश सिंह ने किन्नर समुदाय के सदस्यों तनु, ललिता, रानी, बिजली, मोना को इंद्रेश सम्मान पोटली तो दिया ही, साथ ही अंगवस्त्र देकर सम्मानित भी किया। विशाल भारत संस्थान द्वारा जब उन्हें अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया तो उनके चेहरे पर खुशी और सम्मान का भाव देखने लायक था। आज समाज के सबसे उपेक्षित वर्ग, जिसको समाज समझता है, आज उनको बुला करके उद्योग कमिश्नर के हाथों हमने सम्मानित कराया और अनाज बैंक द्वारा इंद्रेश सम्मान पोटली दे करके उनके मन में यह विश्वास दिलाया कि परिस्थिति कुछ भी हो, जैसे हम बाकी सबकी साथ मदद कर रहे हैं, कार्यक्रम करते हैं, सहयोग करते हैं, उनके साथ भी हम सहयोग करेंगे। किन्नर समाज के जो लोग हैं उनके आशीर्वाद से ही बच्चा जब पैदा होता है तो उनके आशीर्वाद से आगे बढ़ता है, और किन्नर समाज का बहुत बड़ा रोल हमारे सामाजिक रिश्तों को जोड़ने में है, क्योंकि जब हम सामाजिक रिश्तों टूटने लगते हैं तो इनके आशीर्वाद से रिश्ते जुड़ते हैं। भगवान श्री राम जब जन्म लिए थे तब भी इसी समाज ने उनको आशीर्वाद दिया था, और ये समाज सबसे उपेक्षित है, सबसे तिरस्कृत है। इस समाज को बहुत सारी सरकारी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, इसलिए आज विशाल भारत संस्थान अनाज बैंक ने इनको इंद्रेश सम्मान पोटली दिया और इनको सम्मानित कराया ताकि ये समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके और विशाल भारत संस्थान परिवार के साथ जुड़ सके और समाज में उसी तरह से सम्मानित जिंदगी जी सके जैसे बाकी लोग जीते हैं। वहीं मुख्य अतिथि ज्वाइंट कमिश्नर उमेश कुमार सिंह ने कहा कि इस बात के लिए अनाज बैंक की तारीफ करनी होगी। उसने कोरोना लॉकडाउन के दौरान न सिर्फ भोजन की गुणवत्ता बनाए रखी बल्कि प्रत्येक समूह को उनकी आवश्यकता के अनुसार भोजन उपलब्ध कराया है। किन्नर समाज के लोगों को भोजन की गारंटी मानवीय संवेदना का प्रतीक है। सब कुछ जीने और भोजन का अधिकार है। किन्नर समाज को सम्मान के साथ पोटली देकर विश्व स्तर पर बड़ा संदेश अनाज बैंक ने दिया है। कहा जाता है भगवान श्री राम की जन्म के समय भी किन्नर उनको आशीर्वाद देने गए थे। किन्नर समुदाय का सामाजिक ताने बाने में बहुत बड़ा महत्व है। पुत्र पुत्री होने पर किन्नरों के आशीर्वाद की बड़ी महत्ता है, इसलिए उन्हें न ही तिरस्कृत किया जा सकता है और न ही उपेक्षित। अनाज बैंक उनकी सेवा के लिए आगे आया है, यह बड़ी बात है। अनाज बैंक के संस्थापक चेयरमैन डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव ने कहा कि अनाज बैंक किन्नर समुदाय के गुरु से मिलकर उनके लिए विशेष प्रबंध करेगा। जब तक कोरोना संकट है, अनाज बैंक किन्नर समुदाय के लोगों को भोजन उपलब्ध कराएगा। विशाल भारत संस्था द्वारा गुरु से गरीबों का या जरूरतमंदों की मदद की जाती है, लेकिन समाज का वह वर्ग जिसे किन्नर समाज के रूप में जाना जाता है, वो निश्चित तौर पे उन्हें आज यहाँ प्लेटफार्म उपलब्ध कराया गया है और हम सभी को ये सोचने को मजबूर किया है कि ये फिजिकली चैलेंज लोग हैं जिन्हें समाज की मुख्य धारा में अभी तक जोड़ा नहीं जा सका है सामाजिक विडम्बना के कारण। उनको यहाँ ससम्मान बुला करके और जो भी लॉकडाउन के दौरान उनकी समस्याएं हैं उनको जानने का और उन्हें खाद्यान्न या और भी खाने की जो भी सामग्री है वो उपलब्ध कराया गया है, और न सिर्फ उपलब्ध कराया गया है बल्कि ये भी योजना है कि आगे इन्हें इस अनाज बैंक के साथ जोड़ करके नियमित रूप से सामग्रियां उपलब्ध कराई जाएंगी। और उद्योग विभाग के नाते हम लोगों ने ये सोचा है कि कैसे इन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए वो प्रशिक्षण के माध्यम से हो, टूल किट उपलब्ध करा करके हो,
कैसे इनको जोड़ा जा सकता है मुख्यधारा से, उस पर भी प्रयास करने का ये कार्यक्रम है जो आरंभ इन्होंने अनाज बैंक के माध्यम से किया है। इसके साथ ही उनको सम्मान के साथ इंद्रेज सम्मान पोटली भी देगा ताकि स्वेच्छानुसार वे अपना भोजन बना सके। अनाज बैंक ने किन्नर समुदाय के 5 सदस्यों का खाता भी खोला है ताकि प्रतिमाह उन्हें अनाज उपलब्ध कराया जा सके। उपेक्षित और तिरस्कृत मानकर हम इन्हें अलग नहीं कर सकते, भोजन के साथ सम्मान के ये भी अधिकारी हैं। रिपोर्टर्स पेज की खास रिपोर्ट।